बड़ी खबर सामने आई है जहां पर कलाराना पंचायत के सलापुरा का मामला है, जहां पर पंचायत के द्वारा एक नाला बनाया गया था, इसको आज तक सफाई इसकी नहीं कराई गई है। गाँव वाले सरपंच सेक्रेटरी को कई बार सफाई के लिए बोल चुके हैं। सेक्रेटरी ने बोला कि पंचायत से सफाई नहीं होगी। नाले की शिकायत को लेकर गांव वाले कई बार जन सुनवाई के लिए आवेदन दे चुके हैं, लेकिन आज तक उनकी जन सुनवाई नहीं हो रही। पानी निकासी नहीं होने से गांव के रास्ते में इतना ज्यादा कीचड़ हो रहा है कि रास्ते से निकलने में बहुत परेशानी हो रही है, जबकि गंदगी से इतने परेशान है कि नाले का पानी घर में भर जाता है, इससे मच्छर डेंगू जैसी बीमारियों का खतरा बना रहता है। गाँव वालों का कहना है कि हमारा क्षेत्र आदिवासी बस्ती में है, तो ना तो हमारी सेक्रेटरी सुनता है और ना ही सरपंच। कलेक्ट्रेट में भी आवेदन देने पर जब अधिकारी हमारी शिकायत को नहीं सुनता है, तब जाकर लोगों ने मीडिया की शरण ली और हमारे संवाददाता को बुलाकर गांव की स्थिति से अवगत कराया। भाई साहब, हमने दो तीन बार तो वहाँ पर आवेदन दे दिया जन सुनवाई में, सरपंच सेक्रेटरियों को भी बोला हमने दो चार बार, तो वो कराते नहीं, बोलते हैं कि रोड वाले करवाएंगे, रोड में लगता है पीडब्ल्यूडी वाले। फिर क्या भाई, ये नगर में थोड़िया है, नगर पालिका में थोड़िया है, ये तो ग्रामीण में ही लगता है, ग्रामीण पंचायत में, तो ये तो सचिव का और सरपंच का काम है, तो तुमने इनको करवाना चाहिए आपको इनकी। तो तुमने कलेक्ट्रेट में आवेदन दिया इसका? आवेदन दिया, चार बार दिया है हम। क्या कही वहाँ पे भी, क्या कही कलेक्ट्रेट? वहाँ पर भी कुछ भी हुई, वहाँ पर भी बहुत भीड़ रहती, आवेदन रख लेते। सेक्रेटरी ने और सरपंच ने क्या कही कि नाला साफ कराएंगे कि निकलाएंगे? उन्होंने तो कोई हमारा काम नहीं है। तो नाला बनाएगा ये पहले से? हाँ, नाला तो है। आप देखो, कंडीशन इसकी ये पूरा रुच गया है, बंद हो गया है। हमने इसका निकासी के लिए हमने कई बार बोल दी, जन सुनवाई में भी लगाया आवेदन और इनसे भी बोली हमने, सचिव से। क्या नाम है तुम्हारा? तेरा क्या नाम है? तेरा चंडीग्राम आदिवासी। चंडीग्राम, अच्छा। कौन सा कौन सी पंचायत में आता है ये? कलारना पंचायत। कौन सा गांव है? सलापुरा का मामला। ठीक है।